नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। डायबिटीज इन दिनों आम परेशानी बन चुकी है, लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि इसका इलाज तो नहीं मिल सका है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। डायबिटीज से निपटने का एक तरीका दवाओं को टाइम पर लेना हो सकता है, लेकिन कुछ वैकल्पिक और घरेलू उपाय भी हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। आपके किचन में ही कुछ ऐसे मसाले हैं जिनको आप डायबिटीज डाइट में शामिल कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। कुछ मसाले डायबिटीज रोगियों के लिए चमत्कार साबित होते हैं। उन्हें सुबह या शाम को सोने से पहले अपने दूध के गिलास में मिलाने की सिफारिश की जाती है। आप कुछ ही दिनों में रिजल्ट देख पाएंगे। जब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के तरीकों की बात आती है, तो आपको नेचुरल उपायों पर विश्वास कर ही लेना चाहिए। कुछ मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो डायबिटीज में लाभ पहुंचाते हैं। कुछ मसालों को प्रभावी तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए जाना जाता है। यहां उन मसालों के बारे में जानें जिन्हें डायबिटीज रोगी दूध के साथ ले सकते हैं। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को कम करके और इसके जोखिम को कम करने में सहायता करता है। डायबिटीज रोगी रात को दूध में दालचीनी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। अगर आप दालचीनी का सेवन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, खासकर अगर आप कोई दवा लेते हैं। अब हम आपको हल्दी के फायदे के बारे में बताते हैं। हल्दी डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकती है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कम कर लेता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है और वजन बढ़ने से रोक सकता है। आप डेली हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। चलिए अब आपको जायफल के फायदे के बारे में बताते हैं। ये लिपिड प्रतिऑक्सीकरण और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज एजेंट पेरोक्सिज़ोम प्रोलिफेरेटिव रिसेप्टर यानी कि PARR द्वारा पैदा करने वाले तनाव को कम करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप दूध में जायफल मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इस तरह की ऐसी और भी तमाम जानकारियां हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ के साथ। धन्यवाद।